नमस्कार, मैं संजय कुमार, LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की अनुसूचियां क्या हैं और कौन कौन सी हैं, इस वीडियो में हम समस्त जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारतीय संविधान से संबंधित हमने अब तक 4-5 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान की परिभाषा एवं प्रकार, अगर आपने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखें। यह वीडियो PSC, UPSC, SSC और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी रहेगा। भारतीय संविधान की अनुसूचियां एवं व्यवस्था। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जब संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, तब संविधान में कुल मिलाकर 8 अनुसूचियां ही थीं, लेकिन बाद में 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और इस तरह अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां में कुल मिलाकर प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और 12वीं अनुसूची, कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। पहली अनुसूची में भारत में जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी का उल्लेख इस अनुसूची में है। आपको बता देना चाहेंगे कि संविधान के 62वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया था। इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी, अब कुल मिलाकर 29 राज्य हो गए हैं। द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ये पदाधिकारी कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिन्हें CAG कहा जाता है आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं। इन पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। देखिए, कई जगह पर विधान परिषद है और कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। आपको यह याद रखना चाहिए कौन कौन सी राज्यों में विधान परिषद है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। द्वितीय अनुसूची में इन पदों के उल्लेख का आशय यह है कि इन पदों की स्थिति संवैधानिक है, तो ये पद संवैधानिक स्थिति को प्राप्त है, यह आपको याद रखना चाहिए, जिनके बारे में हमने अभी आपको उल्लेख किया है। आप याद रखें, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री इन में शामिल नहीं। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो तृतीय अनुसूची में जो विभिन्न उच्च पदाधिकारी हैं भारत के, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि जब पद ग्रहण करते हैं तो वे शपथ लेते हैं। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के मंत्री जब शपथ लेते हैं तो वह शपथ में संविधान के प्रति निष्ठा का उल्लेख करते हैं। उस शपथ का विवरण
इसमें यानी तीसरी अनुसूची में मिलता है। चतुर्थ अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चतुर्थ अनुसूची राज्यों और संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि किस राज्य से कितनी सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे या चुने जाएंगे। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो पांचवी अनुसूची आपको याद रखना होगी कि यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताती है, किस तरीके से वहाँ प्रशासन होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है और वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार होगा, यह पांचवी अनुसूची बताती है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है या उल्लेख किया गया है। ध्यान रखें, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो केवल चार राज्य हैं, ई यानी असम, एम यानी मेघालय, टी यानी त्रिपुरा और एम यानी मिजोरम। इन चार राज्यों को आपको याद रखना चाहिए। मिजोरम बाद में जोड़ा गया है इसमें, पहले असम, मेघालय और त्रिपुरा ही थे। कैसे भी आप इनको रिलेटेड करके याद कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्योंकि यह जब प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी अनुसूची में मिलता है। आपको चार राज्य दे दिए जाएंगे, उनमें से एक गलत राज्य दे दिया जाएगा, या फिर आपको चार राज्य दे दिए जाएंगे उनमें से एक सही राज्य दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के सही उत्तर बताना होंगे। अगर आपको ये चार राज्य याद हैं तो आप आसानी से उन प्रश्नों के सही जवाब दे पाएंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कई बार आप कहिए आपको याद हो जाएंगे। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों का विवरण किया गया है। संघ सूची क्या है आपको बता देना चाहेंगे। संघ सूची वह सूची है जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है या संसद कानून बना सकती है। संघ सूची वह सूची है जिसके विषयों पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है या संशोधन करने का अधिकार है। राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिस पर मूलतः राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, लेकिन इस पर जरूरत पड़ने पर संघ भी कानून बना सकता है, और राज्य और संघ के कानून में टकराव की स्थिति में संघ का कानून प्रभावी माना जाता है। समवर्ती सूची वह सूची है जिनके विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, अर्थात केंद्र की विधायिका यानी कि संसद और राज्य की विधानसभाएं इन पर कानून बना सकती हैं। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हम जानते हैं कि भारत विविधता का देश है और भारत में कई प्रकार की बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। आठवीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में कुल मिलाकर 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीन भाषाओं को आठवीं सूची में स्थान दिया गया है। अन्य और भाषाओं को भी इस सूची में स्थान दिया गया है। इस तरह कुल
कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं जिनका 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। इसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं आप चाहेंगे तो वह भी हम वीडियो बना देंगे। आपको याद रखना चाहिए 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया था, जबकि 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दी गई थी। कुल मिलाकर मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब 8 भाषाएं और सम्मिलित की गई हैं अलग अलग समयों में, तो इस तरह से अब 22 भाषाएं हो गई हैं। कुल मिलाकर 8 अनुसूची ही मूल संविधान में थी। 9वीं से 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई और पहला संविधान संशोधन था जिसके द्वारा यह अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य किस तरह से संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है किसी भी नागरिक के, उनका उल्लेख इसमें किया गया है। आपको याद रखना चाहिए संपत्ति के अधिकार एक मौलिक अधिकार था पहले, बाद में इसे संविधान संशोधन के द्वारा एक वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा उल्लेख किया गया था। इस अनुसूची में विभिन्न अधिनियमों को शामिल किया जाना जारी रहा और आज इस अनुसूची में कुल मिलाकर 284 अधिनियम हैं। लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि पहले यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ का एक निर्णय आया जिसके द्वारा अब 9वीं अनुसूची के किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। फिर आपको बता देना चाहेंगे कि पहले यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 11 जनवरी 2007 के बाद यह व्यवस्था पलट दी गई है। अब संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार इसमें सम्मिलित किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन आधार यह होना चाहिए कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, तभी समीक्षा संभव है। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, यानी कि दल बदल के जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है, किस तरह से दल को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, कब किस आधार पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है किसी भी सदस्य की जब वह दल बदलता है, तो ये सभी का इनमें उल्लेख है। तो दल बदल को प्रोत्साहन न मिले तथा दल बदल एक दायरे में ही हो सके और बहुत महत्वपूर्ण हो तभी हो सके, इसलिए यह संविधान में व्यवस्था की गई। संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको बता देना चाहेंगे कि अनेक वर्षों से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। अतः 1992 में संविधान में संशोधन किया गया और 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची क्या है आइए जानते हैं। संविधान में यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ी गई। इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल मिलाकर 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह महत्वपूर्ण अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उनकी कार्य प्रणाली के संबंध में विवरण है। कुल मिलाकर 29 विषय
पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। 12वीं अनुसूची। संविधान की 12वीं अनुसूची 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि 73वीं संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं से, जबकि 74वीं संविधान संशोधन का संबंध है शहरी क्षेत्र की जैसे नगर पालिका और नगर निगमों से। तो इसके लिए लेकिन विषय 18 ही रखे गए हैं, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषयों का प्रावधान है, 11 विषय ज्यादा हैं। एक बार फिर से आपको बता देना चाहेंगे, अनुसूचियों पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखें। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो जो कि अनुसूचियों के आधार पर था, और इसके साथ ही साथ संविधान पर हमने और भी वीडियो अपलोड किए हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर हम लगातार सरलतम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आशा है आपको वे वीडियो पसंद आएंगे। इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।